नियमितीकरण को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। ये बड़ा समाचार, पंजाब से अस्थाई कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण वाला विधेयक मंजूर। पंजाब एम्प्लॉयज़ न्यूज़ से ये समाचार आ रहा है और हाल ही की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है पंजाब से आई हुई। और अस्थाई कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अनुदेशक और शिक्षा मित्र जिसकी आस लगाए बैठे हैं, पंजाब में वो काम और वो कार्य होने जा रहा है, इसके लिए मंजूरी दे दी है। क्या है पूरा समाचार, हम आपको अपने अनुदेशक न्यूज़ पर पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों, चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़, भारत के चंडीगढ़ राज्य में सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारी अब परमानेंट हो जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह धनी जी ने कैबिनेट में सभी प्रकार के संविदा अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, तदर्थ दैनिक वेतन भोगी एवं अन्य भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के हों, वो अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी सफलता उन अस्थायी कर्मियों के लिए है जो अभी तक संविदा पर, अनुबंध पर, कॉन्ट्रैक्ट, तदर्थ या वेतन, दैनिक वेतन पर काम कर रहे थे। कह सकते हैं अस्थाई कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी सफलता की आस में बैठे हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा में जो कार्यरत अंशकालिक अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, उनके लिए भी ऐसा ही हमारी राज्य सरकार कुछ करे, महाराज योगी आदित्यनाथ जी करें, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कानून जारी होना चाहिए। मेरा निवेदन है आप सभी लोग रोज़ाना होने वाली डिबेट में अपने हक और अधिकार के लिए ज़रूर शामिल हों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।